पर्यो अर्भेद बिचार्यो निवल पुअंगन साधे पंच जनास संरक्षित क्यों अधिक हन बुद्धवादे। इस तो पहला कि मैं आप जानते सामने श्रीखंड पाठ बारे अपने विचार रखा आप सारे मिलके गुरु जी दी बख्शी फतेह नाल सांझ पाए जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। श्री अखंड पाठ करने की रीत का प्रचलन केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के निरंतर बिना रुके पाठ करने नाल होया है जो किसी पीर ज्योतिषा वेले किया जाता है। ये तकरीबन 48 घंटे विच संपूर्ण किया जाता है। सिखी विच गुरबाणी के इस तरह के अखंड पाठ की मर्यादा तकरीबन 125 साल पुरानी है। कुछ विद्वानों ने इस परंपरा को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी वालों आरंभ किया दसया है पर इस गल बारे कोई ठोस तथ्य नहीं मिलते। महान कोश अनुसार पंथ विच श्री अखंड पाठ की रीत बुढ़ा दल ने चलाई। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के समय या कुछ देर पिछों तक आम मर्यादा यह सी कि कोई विशेष कार्य करन या किसी मुहिम तो जाने तो पहला गुरबाणी का पाठ किया जाता सी। पर कुछ समय तो बाद चंगा युद्ध दौरान वड़े कलुकारे समय सिंह काफ़ी दिनों की लंबी लड़ाई उपरंत गुप्त स्थान पर आके टिके तो किसी सुरक्षित स्थान पर टिकारा करने ले चलन तो पहला सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ आरंभ कर दिता। पर मुसलमानों के अचानक होने वाले हमले की सूह मिलने सिंह ने रात वेले क्यों के दीवे बाल के पाठ जारी रखा जो बाद में एक रीत का रूप धारण कर गए। बेशक अजकल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों हर तरह के पाठ लिए रहन मर्यादा में एक विशेष ते सरल रीति निश्चित की गई है जिमें कि पाठ साधारण होवे चाहे अखंड उसनू आडंबर ते दिखावे रहत सरल तो सरल करना ही उचित है। समाप्ति उपरंत अनंत साहब दियाँ 6 पौड़ियाँ पढ़ के पोगपा देना ही योग है। रुमाल आदि लोड़ अनुसार पेटा किए जान अखंड पाठ जिस परिवार ज संगत ने करना होवे वो आप अपने परिवार साथ संबंधी ते मित्रां नाल मिल के करें। जे कोई आदमी आप ज परिवार पाठ ना कर सकते होवे तो किसी चंगे पाठिया कलू सुन लवन। पर इस तरह ना होवे कि पाठी आप अकेले पाठ करते रहन ते सुन वाला कोई भी ना होवे। पाठी दी यथाशक्त भोजन वस्त्र आदि योग नाल सेवा किए जान। पर अजकल कई प्रकार के पाठ करने दिया वक वक मर्यादाएं चल पईआं हन जिवें सप्ताहिक पाठ खुला जा साधारण पाठ संपट पाठ आदि। हर डेरे दा संत अपनी मर्यादा के प्रगटावे लई कोई ना कोई नवी गल करन दी कोशिश करता है भावें वह गुरमत उलट ही क्यों ना होवे। जिवें अखंड पाठ के नाल जपजी साहिब जहोर बाणिया का पाठ करना केसर का टिक्का लाना नारियल धूप रुमाल ज समगरी रखनी मत का पौग पाना क्यों ते दीवे बालने पौग समय प्रसाद का पौग लाना आदि वक्रिया वक्रिया रीतां प्रचलित हैं। कई थां ते पैसे दे के पाठ कराए जाते हैं। कई लोग कीता कराया पाठ नू खरीद लेंदे हैं। कई डाक राही पैसे भेज के पाठ कराते हैं जो गुरमत के विरुद्ध है। इस संसार विच हर प्राणी मन ते आत्मा दा रोगी है। इस रोग तो छुटकारा पाने लई हर इंसान नू आप गुरबाणी दे पाठ करन दी लोड़ है। श्री गुरु नानक देव जी दा फरमान है संसार रोगी नाम दारू मैल लागै सच बिना गुरु वाक निर्मल सदा चानर नित साच तीरथ मजना। साडी भुख भोजन खाण ते प्यास पानी पीण नाल दूर हुंदी है पर किसी दूसरे दे खाद्या जां पीत्या साडी भुख प्यास दूर नहीं करदी। इसी तरह साडी अंतर आत्मा दी खुराक गुरबाणी का पाठ करना ते विचारना है जो सानू आप ही करन दी लोड़ है। असी गुरबाणी का पाठ इसलिए करते हाँ कि सानू गुरमत ज्ञान की सोझी हो जाए साडे जीवन विच सहज सत संतोख तीरज तारण प्रेम निम्रता हलीमी गरीबी सेवा सिद्धक आदि जिहे शुभ गुण वस सकन। साडा किरदार गुरु हुक्म अनुसार बन जावे असी अपने फर्जा प्रति ईमानदार बन जाइए। साडे जीवन विचो नफरत विश्वासघात निंदा चुगली ईरखा वहम परम पाखंड आदि जिहे अवगुण दूर हो जान। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वर्गे चोरां नू काबू करन दी जांच आ जाए। गुरबाणी यही उपदेश दिंदी है कि जे पाठ करके प्रभु नाल प्रीत ना बणे शुभ गुणा की प्राप्ति ना होए आत्मज्ञान की प्राप्ति ना होए साडे जीवन विचो अवगुण दूर ना होए तो पाठ करन जा करवान दा कोई लाभ नहीं। गुरबाणी दा फरमान है
क्या पढ़िए क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए, परे सुने क्या होए जो सहज न मिले हो सोए। इस ए सब कुछ ताई हो सकता है जे असी अपने परिवार नाल मिलके सहज नाल सहज पाठ करांगे, सुनांगे ते समझांगे, क्योंकि सहज पाठ करने ले कोई समा सीमित नहीं, कदे भी किथे भी कीता जा सकता है। जे गल करते हाँ अखंड पाठ की, तो खिमा करना अखंड पाठ ले 48 घंटे जा कुछ वध समा सीमित किया गया है, जिस विच लगातार ना कोई बैठ के पाठ कर सकता है ते ना ही कोई सुन सकता है। जेड़ा पाठी पाठ करता है उसका ध्यान पाठ वल घट ते समय वल ज्यादा होंदा है। जिस किसी परिवार जो संगत ने पाठ रखा होवे ओ ज्यादातर शुरुआत में जपजी साहिब ते अखीर ते मैला नौवा ते रागमाला की बाणी सुन लेंदे हन। दिन विच ता फिर भी कुछ एक परिवार जो संगत बैठ के पाठ सुन लेंदे हन, पर रात वेले पाठी आप अकेले बैठ के पाठ करदे हन। ना कोई सुन वाला ते ना ही कोई सेवा ले हुंदा है। कई बारी पाठी नूं नींद आ जांदी है ते कुछ एक पाठी जल्दी जा मुंह विच पाठ करदे हन, ता सुन वाला नूं की समझ आवेगा ते की लाभ होएगा। इसलिए ए लोकाचारी ते दिखावा बन के रह गया है। और इस तरह के अखंड पाठ गुरुद्वारे विच होने चाहिए हन जा नहीं, इसका फैसला पंथ ते आगू जथेदार सिंह साहिबान ते गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबरां नूं करना चाहिए है, जो इस सब कुछ बारे पहली प्रकार जाणू हन। जे मैं अपने विचार की गल करा तो मैं ये कहांगी कि गुरुद्वारे विच इस तरह के अखंड पाठ लगातार नहीं होने चाहिए हन, सिर्फ गुरपुरब समय संगति रूप विच होने चाहिए हन। इस पहचान नूं किसी न किसी नूं रोकना पवेगा। कदों तक असी दूसरे वाल देखते रहेंगे, किसी नूं तो शुरुआत करनी पवेगी। क्यों ना असी आपे तो ही शुरू करिए, अपनी सोच बदलने की लोड़ है। सोच बदलेंगे समाज बदलेगा। सच बोलना तो आसान होता है पर सुनना बहुत बहुत मुश्किल। इसलिए आप सारा का बहुत धन्यवाद। मेरी हुई गलतियां मेरी चौली विच पाते हुए फतेह गजाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, बोले सो निहाल। सचमुच एक बार तो रोंगटे खड़े हो गए सी सुनदिया सुनदिया। बिल्कुल गुरमत का निरोल सिद्धांत जिहड़ा पेश कीता है, क्या पढ़िए क्या सुनीए, क्या पढ़िए क्या गुणीए, क्या वेद पुराना सुनीए, पढ़ी सुने क्या होई तो सहज न मिले उस। बच्ची हरकिरन कौर 11 साल दी है और बीबी कुलजीत कौर जी ने बहुत अच्छी तैयारी कराई। और सब तो वड्डी गल, स्पीच लगभग सारी जुबानी बोली है और पूरी गर्स नाल, इस तरह कि जिवें तुहानू समझा रही है। आम तौर पर असीं इदां मेरे वर्गे पढ़ते हैं जिवें मैं खबरां पढ़ता हाँ, पर इस तरह जिवें तुहानू समझा रही है एज ए टीचर बहुत अच्छा इन्होंने अपने विचार। लो जी भाई साहब जी वालों बच्ची नूं प्यार आया है, तो हेलो बच्ची आ जाओ, ये प्यार होंदा वै, आ जाओ शाबाश। ठीक है, बहुत खुशी की गल है जी। तो मैं चाहना कि सारे बच्चे इस तरह बोलन ही नहीं बल्कि गुरमत सिद्धांत नूं भी समझण।